हे प्रभु, हेमंत सोरेन जी विगत 8 मार्च से धरना दे रहे हैं, होमगार्ड जवानों की पुकार सुन लीजिए। प्रभु, आपने वादा किया था कि होमगार्ड जवानों को बिहार राज्य की तर्ज पर सभी सुविधा देंगे, आखिर होमगार्ड जवानों के साथ इस प्रकार का अन्याय आप क्यों कर रहे हैं? सुन लो पुकार प्रभु। यह उस ट्वीट के शब्द है जो झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के महासचिव राजीव कुमार तिवारी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से किए। इस ट्वीट के माध्यम से राजधानी रांची में विगत 22 दिनों से धरने पर बैठे होमगार्ड जवानों की व्यथा सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया गया। अब जवानों ने अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया है। इस ट्वीट को काफी तेजी से सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर शेयर भी किया जा रहा है। राजीव कुमार तिवारी झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारी हैं और धरना स्थल पर लगातार जमे हैं। यह ट्वीट उस वक्त आया जब होली पर भी होमगार्ड जवानों से वार्ता करने के लिए सरकार की ओर से कोई नहीं आया। अब होली बीतने के बाद तिवारी ने सरकार को ट्वीट कर आग्रह किया। इधर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष रवि मुखर्जी ने बताया कि होमगार्ड जवान अपनी सहनशीलता का परिचय देते हुए शांति से अपना धरना दे रहे हैं। आंदोलन के अगले चरण में 1 अप्रैल को मशाल जुलूस निकाला जाएगा, इसके बाद 5 अप्रैल को जेल भरो आंदोलन होगा। राज्य भर के होमगार्ड जवान रांची पहुंचकर अपनी गिरफ्तारी देंगे। उन्होंने कहा कि उनकी मांग जायज है और जो भरोसा उन्हें हेमंत सोरेन ने दिया है बस उसी को पूरा करने का आग्रह है।